आईटी कमीशन के वाइस चेयरमैन वासिफ रशीद साहब तीन दिन के दौरे पर यहाँ हैदराबाद तशरीफ लाए हैं। ये तीन दिन का दौरे का मकसद है, मेन मकसद ये है कि माइनॉरिटीज जिसमें सिख समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, बुद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम और जैन समाज, ये सभी वर्ग इसी में आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर वो सारे मुल्क के तमाम स्टेट्स का उनका दौरा कर रहे हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा कर चुके हैं, अब तेलंगाना स्टेट। माइनॉरिटीज तक उनका हक पहुँचे और माइनॉरिटीज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम की इन्हें तमाम चीज़ों का हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री जी के ऊपर पोष करेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ किन किन स्टेट्स में माइनॉरिटीज के क्या प्रॉब्लम्स हैं। माइनॉरिटीज के क्या प्रॉब्लम्स है, ये इसीलिए यहाँ पर तीन दिन का या आखिरी दिन जो है शामिल यहाँ से चले जाएंगे। माइनॉरिटीज के जितने भी वर्ग वो सबसे मिल चुके हैं, अभी आज ये एक समाज का तो वो बात दौरा बनाएगा। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी और तमाम डिपार्टमेंट्स के चीफ सेक्रेटरी, इसमें आपकी फराख़दिली नज़र आ रही है कि हम सब एक हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब जो बोले सोनिहाल खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आपके अध्यक्ष सेक्रेटरी साहब सभी साथियों और मेरे वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, यदि मैं हैदराबाद में आप लोगों से मिले बिना चला जाता तो सबका विश्वास और सबका विकास और सबका साथ साकार नहीं। और दूसरे आप जो सिख कौम है, आपका एक गौरवमय इतिहास है। मैं बचपन में मेरे एक दोस्त थे, वो मुझसे एक बात कहा करते थे, हमारा एक दोस्त है प्रीत सिंह बख्शी, अभी जनपुरा से एमएलए भी लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में, यूथ है, युवा है वो, हम बचपन के दोस्त, बचपन के मतलब परिवारिक सिंह। एक हमारा दोस्त था सलीम, तो सलीम ने कहा करता था ये जो बख्शी है ना बख्शी, इस बख्शी की जो कौम है वो दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। तो मैं उसको एक बात करता था कभी कभार, जैसे अभी मैं आ रहा था तो मैंने उसको कहा तेलंगाना में भी है क्या, कहने लगे हाँ है बहुत सारे। मैंने कहा वो सलीम ये कहा करता था कि भाई ये दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है और दुनिया के हर उसी के सामने कहा करता था बचपन से, कहता था 10वीं क्लास से डोमिनेट करती है, कम्युनिटी डोमिनेट करती है और ये दुनिया के हर हिस्से में जाके जानते हो क्यों पकड़ जाती है। इसके सलीम के अब्बा भी कहा करते थे ये बात, क्योंकि ये कम्युनिटी डोनर है, ये अदर कम्युनिटीज को सबको देती है, देने वाली जो देने वाला होता है परम पिता परमेश्वर परमात्मा ईश्वर वाहेगुरु अल्लाह भगवान उसको खूब पनप पाता है। इसलिए आप यहाँ पर पनप रहे हो और मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है यहाँ आकर के, वास्तव में सिख कम्युनिटी यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में। दूसरे समस्याएं सभी समुदाय की होती है, आप टैक्स पेयर है सब कुछ है, लेकिन एक कमी यहाँ के मैं आकर मुझे आपसे महसूस,
मैं 3 दिन से यहाँ के दौरे पर हूँ। मेरे आने से पहले भी आपको जानकारी रही होगी। वास्तव में कोई कैलकुलेटेड माइंडेड अगर आपका आदमी होता तो वो मेरे यहाँ पहुंचते ही अपनी जो समस्याएं हैं उनको मुझे लिखित में दे देता। अभी आप जितनी भी बात कर रहे हैं मैं इस कान से सुनूंगा, भगवान ने अल्लाह ने मुझे 2 कान दिए, इस कान से सुनूंगा, दूसरे कान से निकाल दूंगा। रुकना बड़ा मुश्किल काम है। क्या क्या होते, घरवाली की टेंशन है, बाहर वाली की टेंशन है, बहुत सारी टेंशन है, क्या क्या इसको बीच में रोके। 2 कान होते हैं, इधर से घुसता इधर से निकल जाता। भैया तुम इसे थोड़ी देर छोड़ दो ना यार, तुम आइए ना सर। तो ये मेरी कुछ किताबें हैं, ये भी आपको एक ये भी ले लीजिए, ये योजनाएं, ये मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। जितनी भी योजनाएं हैं, सीधा है ना सबका, जितनी भी ये योजनाएं हैं इन योजनाओं का लाभ जो है सभी समुदायों को बराबर रूप से दिया जा रहा है। लेकिन कारण क्या है कि कुछ जगह हम लोग जो है नफीस आपके पास भी वहाँ गए थे और शायद हमारे भाई भी कुछ दूसरी बिल्डिंग में थे, वो टाइम मुलाकात नहीं हो पाई उनके सामने, वही बिल्डिंग में था भाई जितना। तो उन्होंने 449th जो गुरु गोविंद गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन था हैदराबाद से।